5 अगस्त 2019, वक्त 11:08। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है। 3 पूर्व सीएम हाउस अरेस्ट हैं। कश्मीर में जो वॉर सिचुएशन है, पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस बयान के बाद थोड़ी देर के लिए सदन में हंगामा होता रहा। ग्यारह बजकर 14 मिनट पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और बोले, मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जो संकल्प और बिल लेकर आया हूं वो कश्मीर पर ही है। 11:15 पर शाह ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अभी भी जिस घटना का जिक्र हमने किया, उसे घटे अब 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अलगाववादियों को आज तक चैन की नींद नहीं आई है। सोते जगते कश्मीर का राग अलापने वालों के नापाक मंसूबों पर मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐसा पानी फेरा कि तब से उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि यही वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। लेकिन इसकी पटकथा साल 2015 में ही लिख दी गई थी। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको मोदी सरकार के उस साहसिक और ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास और उन्नति का नया अध्याय लिखा गया। बात साल 2015 की है, जब गुलमर्ग के एक रिसॉर्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी विधायक हसी द्राबू चर्चा करके राज्य में सरकार बनाने की संभावना तलाश रहे थे। इसकी वजह थी दिसंबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव, जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। 87 सीटों वाली घाटी की विधानसभा में 28 सीटों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। इसी बीच मुफ्ती मोहम्मद सईद के फोन की घंटी बजती है। फोन पर बात करने के बाद वो पीडीपी विधायक हसीब द्राबू से कहते हैं कि सुबह आपने दिल्ली जाना है। अगले दिन हसीब द्राबू दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। वो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें एक फोन आता है और उन्हें एक शख्स से मिलने के लिए कहा जाता है। कुछ देर बाद हसीब उससे मिलते हैं और लंबी बातचीत के बाद मुंबई के लिए रवाना होते हैं। मुंबई में उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव से होती है। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर पहली बार बातचीत शुरू होती है। हसीब द्राबू ने उसी दिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन आर्टिकल 370 और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत जैसे मसलों पर सहमति नहीं बनी। आपको बता दें, अलगाववादी नेताओं के एक समूह को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अब सरकार नहीं बन पा रही थी तो 9 जनवरी 2015 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा दिया गया। इसके अगले महीने हसीब द्राबू फिर से दिल्ली पहुंचे। उसी रात उनकी मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और राम माधव से हुई। घंटों तक बातचीत चली, लेकिन फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर अटक गई, क्योंकि बीजेपी का शुरू से स्टैंड क्लियर रहा है कि वो हुर्रियत नेताओं से कोई बातचीत नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम मुफ्ती भी हुर्रियत नेताओं के बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर अरुण जेटली ने अमित शाह से बातचीत की, जो उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस मुलाकात के बाद अरुण जेटली ने हसीब द्राबू की बात मान ली और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करने को कहा। ये बात सुनकर पीडीपी नेताओं को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो खुश भी थे। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि बीजेपी ये सब घाटी की सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए कर रही है। गठबंधन पर फाइनल मुहर लगाने के लिए अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुफ्ती सईद दिल्ली आकर मिलते हैं। इस मुलाकात के बाद गठबंधन तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में धुर विरोधी रहे बीजेपी पीडीपी मिलकर घाटी में गठबंधन सरकार बना लेते हैं। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने तो विपक्ष ने इस पर बीजेपी को खूब घेरा। इतना ही नहीं, खुद बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही पीडीपी और इसकी नीतियों का विरोध करती आ रही थी। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पीडीपी पर साफ तौर पर पाकिस्तान और आतंकियों से सांठगांठ के आरोप लगाए थे। खैर, जैसे तैसे सरकार तो बन गई, लेकिन पीडीपी कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी।
सरकार बनने के हफ्ते भर में ही सीएम मुफ्ती ने अलगाववादी नेता नुसरत आलम को रिहा कर दिया। इस बात को लेकर फिर दोनों पार्टियों में टकराव होने लगा। बीजेपी ने कहा कि पीडीपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। विपक्ष ने घेरा तो पीएम मोदी को संसद में कहना पड़ा कि केंद्र को राज्य सरकार के इस फैसले की कोई जानकारी नहीं थी। गठबंधन सरकार बनने के अगले साल ही सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। इसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की कमान संभाली और ये कहकर बीजेपी से किनारा कर लिया कि पीडीपी की आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच नहीं होती। लेकिन बीजेपी को तो कुछ बड़ा करना था, लिहाजा वो अंदर खाने में फिर से सरकार बनाने की कवायद करती रही। आखिरकार 3 महीने बाद अप्रैल 2016 में बीजेपी पीडीपी ने फिर से सरकार बना ली और मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन फिर दोनों पार्टियों में मतभेद होते रहे। पर्दे के पीछे मुफ्ती सरकार का आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करती रही तो बीजेपी को इसका जवाब दिल्ली में देना पड़ता था। लेकिन जैसे तैसे बीजेपी सत्ता में बनी रही, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की एक बड़ी टीम आर्टिकल 370 हटाने के लीगल पहलुओं पर काम कर रही थी। इसके अलावा केंद्र के सुझाव पर जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा भी लिया जा रहा था। जांच एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही थी। 19 जून 2018 की एक सुबह एनएसए अजीत डोवाल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और दोपहर तक बीजेपी के महासचिव राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर डाली। सीएम महबूबा मुफ्ती को इस फैसले की भनक तक नहीं लगी थी। बीजेपी के इस फैसले से वो हैरान थी। एक बार फिर से बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूट चुका था। नवंबर 2018 आने तक सुखबुगाहट हुई कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। इसके अगले ही दिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी और तीनों पार्टियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इससे महबूबा मुफ्ती नाराज हो गईं और भड़कते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 5 महीने से हम विधानसभा भंग करने की मांग कर रहे थे, तब हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब हम सरकार बनाने जा रहे थे तो राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी, ये क्या हो रहा है। इस घटना के बारे में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बयान दिया था कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से लेकर अलग होने तक और फिर विधानसभा भंग करने तक सब कुछ सोच समझकर किया गया था, ताकि विधानसभा की शक्तियां संसद के पास आ जाएं। मलिक के अलावा कुछ और राजनीतिक विश्लेषकों ने दो पहलू सामने रखे। पहला, सरकार में शामिल होकर बीजेपी घाटी के हालात और वहां की व्यवस्था को समझना चाहती थी। दूसरा, विधानसभा भंग होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश पारित करके जम्मू कश्मीर विधानसभा की शक्तियां संसद को दे दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए विधानसभा की सहमति जरूरी थी। विधानसभा भंग होने के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी ने जेटली से कहा कि आर्टिकल 370 हटाने को लेकर ऐसा ड्राफ्ट तैयार करिए जिसे किसी भी अदालत में चैलेंज न किया जा सके। दावा किया जाता है कि बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 370 हटाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने सुझाव दिया कि अभी ऐसा करने से कश्मीर के हालात बिगड़ जाएंगे। ये बात सुनकर सरकार ने चुनाव होने तक इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, मई में नतीजे आए और एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। 303 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया, क्योंकि बड़े फैसले जो लेने थे। कॉन्फिडेंस भी डबल हो चुका था, लिहाजा दूसरी बार सरकार बनते ही सबसे पहले सामन गोयल को रॉ चीफ बनाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉ चीफ बनते ही पीएम से मिलने आए सामन गोयल ने कहा, अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और तालिबान के बीच डील की जा रही है, अगर ऐसा हुआ और अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो कश्मीर से 370 हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मदद से तालिबानी लड़ाके कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री को लग रहा था कि 370 हटाने का यही सबसे सही मौका है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग ही चुका था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि अभी ऐसा किया तो लोकल पुलिस बगावत कर सकती है या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर अलगाववादी नेता देश में माहौल बिगाड़ सकते हैं। आखिरी फैसला पीएम मोदी को लेना था। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद ये तय किया कि अब किसी भी कीमत पर आर्टिकल 370 खत्म करने का प्लान ड्रॉप नहीं करेंगे।
उन्होंने सुझाव दिया कि सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में हालात काबू में रखने पर काम करें। पीएम से मुलाकात के दो दिन बाद रॉ चीफ सामंत गोयल कश्मीर पहुंचे। कुछ दिनों में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस रहे बिपिन रावत भी पहुंचे। तीनों सेना प्रमुख और इंटेलिजेंस चीफ के साथ मीटिंग का दौर शुरू हुआ। घाटी पर कड़ी निगरानी के लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते में इजरायली ड्रोन कश्मीर भेजे गए। 45,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 250 से ज्यादा कश्मीरी पुलिस अधिकारियों के हथियार जब्त किए गए। 26 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सेशन खत्म होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसे 7 अगस्त तक बढ़ा दिया। तो इन सबको देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि कश्मीर में कुछ तो बड़ा होने वाला है। केंद्र सरकार की तय की गई डेडलाइन बेहद पास आ चुकी थी, जिसके बारे में पीएम के अलावा कुछ ही गिने चुने लोगों को पता था। इसी बीच 3 अगस्त को अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और तीर्थ यात्रियों को फौरन कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया। पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कश्मीर में आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। 4 अगस्त को घाटी में धारा 144 लगा दी गई। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लग गया। रात होने तक पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और इंटरनेट पर रोक लगा दी गई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि उसके प्लान के बारे में किसी को खबर लगे। यहां तक कि सरकार के अपने सांसदों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें जानकारी देने के लिए बीजेपी ने एक सोशल मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई, जिसमें मोदी भी शामिल हुए थे। अपने सांसदों को इन सबके लिए तैयार करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि लोकसभा में बहुमत जुटाना केंद्र सरकार के लिए आसान था, लेकिन राज्यसभा में ये मुश्किल था। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी। 4 अगस्त की शाम गृह मंत्री ने पीएम को जानकारी दी कि राज्यसभा में भी हमने नंबर जुटा लिए हैं। यहां मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा के बजाय राज्यसभा में पहले ये बिल लाना चाहिए, ताकि विपक्ष कोई हंगामा करे उसके पहले हम बिल पास करा लें। उसी शाम अमित शाह ने रॉ चीफ और आईबी चीफ को तैयार रहने के आदेश दे दिए। इस पूरे काम को इतने गोपनीय तरीके से किया गया था कि विपक्ष तो छोड़िए, उस दिन पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को पता चला था कि सरकार कल 370 खत्म करने जा रही है। एक इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक बताते हैं कि 4 अगस्त की रात गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूं, आप अपने दफ्तर से पास करा के कल 11 बजे से पहले मुझे भेज दीजिए, मुझे राज्यसभा में पेश करना है। तब मुझे पता चला कि कल सरकार 370 हटाने जा रही है। तो फाइनली वो दिन आया, 5 अगस्त 2019, वक्त सुबह 11:08। राज्यसभा में खूब हंगामा हो रहा था। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने तल्ख अंदाज में कहा कि कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है, 3-3 पूर्व सीएम हाउस अरेस्ट हैं। कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए हैं, पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन में हंगामा बदस्तूर जारी रहा। पांच मिनट बाद गृह मंत्री उठे और बोले, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प और बिल लेकर आया हूं वो कश्मीर पर ही है। इसके बाद अमित शाह ने जो कहा वो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो गया है। अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक पर पढ़ा जाएगा। अमित शाह की बात सुनते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। पीडीपी के 2 सांसदों ने तो संविधान की कॉपी तक फाड़ने की कोशिश की, एक सांसद ने कुर्ता फाड़ लिया।
गुलाम नबी आजाद बोले, ये तो डेमोक्रेसी और संविधान का मर्डर है। जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा में वोटिंग हुई। आर्टिकल 370 खत्म करने के पक्ष में 125 वोट मिले और विरोध में 61 वोट पड़ा, जबकि लोकसभा में पक्ष में 370 और विरोध में 70 वोट पड़े। बीएसपी, बीजेडी, एआईएडीएमके, आप और शिवसेना जैसी कुछ विपक्षी पार्टियों ने 370 खत्म करने का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, पीडीपी और डीएमके जैसी पार्टियों ने इसका विरोध किया। तो इस तरह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके इंडियन यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बीजेपी का सबसे पुराना वादा था जो 2019 में पूरा हुआ, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक खुद कहते हैं कि घाटी से आर्टिकल 370 खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसकी वजह से कश्मीरी लोग भारत से जुड़ाव महसूस नहीं करते थे। सुरक्षा बलों को भी खासी दिक्कतें आती थी। कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों को इसकी सख्त जरूरत है। तो ये थी 370 हटाने की पूरी कहानी। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।